बक्स इजलास के हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तखार अहमद ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। कहते हैं कि ब्रिक्स फोरम में तमाम अरकान से मुशावरत के साथ फैसले होते हैं, गैर मेंबरान को दावत का फैसला भी मुशावरत से होता है। एक रुकन ने पाकिस्तान की शिरकत को रोका। इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है जो कि 24 जून को हुआ, पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया। ये बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। ये बड़ा ऑब्वियस है कि भारत ही ने हमारी जो है पार्टिसिपेशन को उस पर ऑब्जेक्शन किया होगा। तो उसमें मोदी को शी जिनपिंग बुलाते हैं चीन के सदर, और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, हमारा जो बरादराना हम कहते हैं बड़े ताल्लुकात हैं, हमें कोई घास भी नहीं डालता। घास क्यों नहीं डालता? इसलिए कि बैगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन अगर चाइना थोड़ा बहुत इस पे इंसिस्ट करता तो शायद मुमकिन भी था। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए, वो किसी को भी मार। तो दोस्तों आपने ये देखा छोटा सा क्लिप, आप समझ गए होंगे पाकिस्तान अब रो रहा है। भारत ने पाकिस्तान को ब्लॉक किया है ब्रिक्स सम्मेलन में, जो गेस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनको बुलाया जाता है, पाकिस्तान को भी बुलाया गया था। पाकिस्तान 14वीं कंट्री थी पाकिस्तान जो चाइना ने इनविटेशन दिया था, हालांकि भारत ने ब्लॉक कर दिया, चाइना को 13 ही कंट्री बुलाने दी, जो कि बहुत अच्छा निर्णय है। वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। हालांकि पाकिस्तान ने डायरेक्टली भारत का नाम नहीं लिया, आप समझ सकते हो कितना दबदबा है भारत का। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की हुआ क्या है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को 24 जून ही को इसी ब्रिक्स के मार्जिन्स पे एक हाई लेवल डायलॉग हुआ ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट, उसमें तकरीबन 22 ममालिक को मदु किया गया, पाकिस्तान को जहाँ इतने और ममालिक को नाइजेरिया और सेनेगाल तक के भी ममालिक को मदु किया है, तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया गया? पाकिस्तान जो कि स्ट्रेटजिक पार्टनर है BRI का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उस हवाले, चूँकि CPEC के फ्लैगशिप जो है प्रोजेक्ट है BRI का, वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो पाकिस्तान को क्यों कर मिस कर दिया गया? तो काफ़ी चिमगोइयाँ हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि चाइना नाराज़ है हमसे और हमारी कोई कंसिस्टेंसीज नहीं है। CPEC के हवाले से भी लोगों ने बातें शुरू कर दी, एप्रीहेंशन का इजहार शुरू कर दिया। तो आज दफ्तर खारजा ने बहरहाल एक प्रेस रिलीज़ इशू किया, चूँकि इनमें से एक मुल्क ने एग्री नहीं किया पाकिस्तान को इनवाइट करने का, तो इस वजह से पाकिस्तान को फिर दावतनामा नहीं मिला। हमारे प्रेस रिलीज में नाम नहीं, अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है जो कि 24 जून को हुआ, पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया? अच्छा, हुआ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको सीधा सीधा इंडिया पे इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया फॉरेन ऑफिस आसिम की जो स्पोक्स पर्सन है आसिम इफ्तिखार, उन्होंने कहा कि जो जो एक ब्रिक्स जो इज प्लेटफॉर्म एज ए मल्टीलैटरल अरेंजमेंट जो है, उसके एक मेंबर ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक की है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान मुबारकें दे रहा है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान कह रहा था जनाब के हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है, और चीन ये हो जाएगा और चीन के साथ वो हो जाएगा, और हम सारे जिंदगी थके नहीं हैं ये कह के कि जी स्ट्रोंगर देन आयरन, और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या क्या जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर, जस्ट टू मेक इट लाइक के जी पाकिस्तान और चीन की बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चीन की बड़ी पार्टनरशिप रही है और अभी भी है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, कोई दोस्ती नहीं होती। अगर हम इस चीज को, और ये हमारी लीडरशिप बड़े अच्छे से समझती है, आज अगर चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की साइडलाइन पे ये जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है, जिस पे चीन के प्रेसिडेंट ये कहते थे जनाब कि हम तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। नॉर्मली मैं पहले भी कल एक वीडियो में कहा था कि साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑल अबाउट कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें चाइना कहता है कि हमें वहां पे अपना रोल प्ले करना है और हमें वहां के लोगों को अपलिफ्ट करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही है। एक हमने श्रीलंका में देखा कि वहां पे मामलात जो है वो खराब हो गए और चीन किसी को नहीं बचा सका, ठीक है जी, IMF और बाकी लोग भी कोई नहीं पहुंचे, और एक पाकिस्तान है
जहाँ की कंडीशन ये है कि हमें जो लोन्स के लिए हम कितनी मुश्किल में हैं, और अगले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें ये बात की गई कि जो 35 अरब डॉलर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, जिसका नाम दिया गया फॉरेन फंडेड इन्वेस्टमेंट, जो कि चाइना की है और किसने इतनी 35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाए, उसमें पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहब हैं और पूरी कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि 43% इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फ्लॉड, वो उसका कोई सिर पांव ही नहीं है, और बस वो सिर्फ ये है पैसा आ गया और हमारे ऊपर वो कर्जे चढ़ चुके हुए हैं, या हमने वो पैसा वापस करना है, या सिर्फ इस तरह की चीजें, और उसमें कुछ भी नहीं है। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए, वो किसी को भी माफ नहीं करते, हम तो फिर पहले पहले गरीब बैठे हुए थे और हमें तो चाहिए था पैसा ही पैसा चाहिए था। अब देखें शर्मिंदगी की बात ये है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। अच्छा, अब मैं इस पर इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज के भाई अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउट होता, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल होता, तो वो क्यों ना बुलाते आपको, क्यों ना बुलाते? पाकिस्तान किस ग्रुप का मेंबर है? पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, एससीओ का भी कोई हाल नहीं है। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट एक अगर फोरम हुआ है वो आगे बात कर रहे हैं, उन्होंने 17 और ममालिक डाल लिए। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ G77 की बात कर रहा है कि जी हम जी वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ना उसके हम भी मेंबर हैं, क्योंकि हमारे पास G77 की जो है वो करंट चेयर है। ठीक है जी, हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ऐप ही जी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बिकॉज उन्होंने फैसला कर लिया। और मैं ये समझता हूँ चाइनीज जो है वो उन्होंने एंजॉय किया इस चीज को। द रीजन बिहाइंड इज कि पाकिस्तान भी उनको छोले कराता था। पाकिस्तान क्या कहता सी? पाकिस्तान कहता था जनाब लो जी हमने तो पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पहले हम कह रहे थे पैसा आए, जब पैसा आ गया इन्वेस्टमेंट हो गई, जब वो कश्ती बीच मंदार में आके बैठ गई तो हमने चीनियों को कहना शुरू कर दिया नहीं हम ऑर्डर करेंगे इसका। उन्होंने कहा तुम कराने ऑर्डर तुम ऐसे चटके लुआंगे तुम याद रहेगा। सो वो हमने जो उनको जो इमरान खान साहब ने कहा हम ऑर्डर करेंगे, उन्होंने कहा करें ऑडिट। उसने क्या किया? उसने सीपैक को स्लो कर दिया। उसने क्या किया? चाइना पाकिस्तान के मामलात खराब होने शुरू हो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर बात कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। आपको पता होगा ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं बेसिकली भारत, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया, ये पांच कंट्री का समूह है ब्रिक्स, जिसमें साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है। फाउंडिंग मेंबर रहा है भारत ब्रिक का, तो ब्रिक्स बना, उसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। अब चाइना चाहता है कि धीरे धीरे ब्रिक्स को बड़ा किया जाए जिससे कि और भी कंट्रीज़ में मतलब ज्वाइन करें, लेकिन भारत ने सीधा पाकिस्तान को शामिल नहीं होने दिया, जो कि मेरे हिसाब से भारत के पास अगर ये अथॉरिटी है, भारत के पास अगर ये पावर है, तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, पाकिस्तान इंडिया का सीधा चाइना के जैसा दुश्मन है। अब चाइना को तो हम आइसोलेट कर नहीं सकते, आपको भी पता है चाइना भी इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है, तो जो हमारे पास पावर है उसका यूज़ करके हम पाकिस्तान को तो करेंगे। और इंडिया का मेन रीज़न है पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करना, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है, और पाकिस्तान को उसकी औकात हमेशा दिखाना। तो अब पाकिस्तान, आप समझ सकते हो, इनके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं वो रो रहे हैं, और रोना बनता भी है, सही सीन है। भारत ने जो किया बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान जब तक दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाएगा भारत के खिलाफ, भारत में आतंकवाद फैलाएगा, भारत में कश्मीर में ऑब्वियसली ब्रेन वॉश कर दिया है, और जिहाद फैलाएगा और कश्मीर रोएगा, तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। नेक्स्ट ईयर आपको पता है G20 समिट की कुछ मीटिंग्स कश्मीर में होनी है, तो और अच्छा मैसेज जाएगा, पाकिस्तान को और मिर्ची लगेगी। हालांकि पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ करवाएगा जिहादियों से, मुझे लगता है। और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने भी ये सब सोचा होगा, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है कि मैं बहुत नई चीज़ बता रहा हूँ, ऑब्वियसली उन्होंने सोचा होगा, उसके बाद डिसाइड किया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।